उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लाखों का नुकसान करवा रहे हैं। दरअसल कार्यालय में पिछले कई सालों से 108 कई पुरानी जो गाड़ियां हैं वह धूल फांकने का काम कर रही हैं, लेकिन आज तक विभाग इनकी नीलामी नहीं कर पाया है, जिससे विभाग को राजस्व की हानि हो रही है। हालांकि डीजी हेल्थ ने कहा है कि जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी डीजी हेल्थ ने पुरानी 108 नीलामी की बात कर चुके हैं, लेकिन आज तक विभाग इनकी नीलामी नहीं करा पाया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उसमें प्रॉब्लम यही, हमने टेंडर किए थे, जो रेट गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब है उस रेट पर हमारे पास कोई नहीं आया, और अभी दोबारा से हमने सभी सीएमओ को लिखा है कि जो भी एम्बुलेंसेस है वो डीएम साहब से बात करते हुए उसको कंडम करेंगे। ऐसा ही यहाँ के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हमारे टेंडर फेल हुए हैं, हम दोबारा से उसमें जा रहे हैं। दोबारा से हमने ये भी प्रोसीजर किया था कि रेट कम करने के लिए भी हम अनुमति मांगे।